सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौधरी जी गेमिंग। और गाइस, आज हम फिर से निकालने वाले हैं यानी कि स्कूरा बंडल को। तो गाइस, पहले मैं हिप हॉप बंडल को निकाला था गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिंक दे दूंगा गाइस, तो आप जाके पहले उस वीडियो को भी देख लेना गाइस। और गाइस, अभी हम निकालने वाले स्कूरा बंडल को गाइस। सबसे पहले हम चलते हैं गाइस टॉप अप करने। और ये गाइस सीधा देख सकते हैं, 4000 का टॉप अप करेंगे अब। टाइम क्यों लगा रहा है गाइस? गाइस हो चुका है हमारा टॉप अप। चलते हैं गाइस, करते हैं वो बैक और सीधा हम चलते हैं पिन मारने के लिए। गाइस पहले इमोट दे दिया भाई ग्रेना वाला ने, मतलब कि भाई पागल हो गया, नाच रहा है लड़का पूरा। तो क्या हुआ भाई, ये तो पागल हो गया लड़का। तो वैसे ही रख सकते हैं, हमने टोप का सामान पहले इमोट ले लिया, अब स्काइमिंग का स्किन लेंगे। और गाइस चलते हैं गाइस, अब सीधा हम वो करेंगे यानी कि स्पिन करेंगे गाइस। गाइस पहले मैं सोच रहा हूँ गोल्ड रोल में स्पिन करते हैं गाइस, क्योंकि इससे हमारा लक बढ़ जाएगा। तो वैसे पहले एक स्पिन गोल्ड रॉयल में। तो गाइस मैं वॉइस ओवर ये बाद में कर रहा हूँ वीडियो बनाने के बाद, क्योंकि पहले वाला वॉइस ओवर मेरा चला गया था। तो गाइस चलिए गाइस, अब स्पिन करते हैं सीधा हम। पहले गाइस 400 डायमंड का करेंगे हम स्पिन। तो गाइस क्या हम इसमें निकाल पाएंगे गाइस को, इतना डायमंड जो है हमारे पास 5600 डायमंड में तो गाइस निकलना चाहिए, क्योंकि पहले भी मेरा हिप हॉप बंडल इतने डायमंड में निकला था। ओ गाइस पहले क्लियर कैश करके आते हैं गाइस, ठीक है पहले क्लियर कैश करते हैं। तो गाइस कर चुके हैं हम क्लियर कैश, और गाइस अब जाके मारते हैं सीधा स्पिन हम। तो गाइस आ चुके हैं स्पिन सेक्शन में हम, क्लियर पास सेक्शन में। और गाइस इसमें मारते हैं अभी हम सीधा स्पिन सीधा गाइस, 400 डायमंड का मारेंगे। और भाई 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 ये गाइस क्या मतलब कि टोकन दे रहे हैं अभी हमें। और ये गाइस मिल चुका है हमें बंडल, ओ माय गॉड गाइस सीधा सीधा 4 का बंडल दे दिया इन्होंने हमें। गाइस फिर से 400 डायमंड कमा लेंगे हम स्पिन गाइस अभी। पहले 400 का एक और स्पिन मारते हैं गाइस, इसमें तो निकलना चाहिए मतलब ये ना, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए इसमें भी। तो गाइस ये गाइस सीधा टोकन दे रहे हैं, मतलब कि ये हमें बैनर दे रहे हैं जो गाइस पहले बैनर में तो पास पहले से है ना, वही वाला बैनर दे रहे हैं गाइस ये। और गाइस एक स्पिन और मारते हैं सीधा 400 का। तो गाइस ये बंडल मिल जाए तो गाइस अच्छा होगा मेरे लिए। तो गाइस सीधा एक और स्पिन मारते हैं, और गाइस एक 400 का और स्पिन लगा है हमारा इसमें। तो गाइस इसमें तो निकलना चाहिए देखो, है ना, ताकि हम इतना डायमंड खर्च कर रहे हैं तो मिलना तो चाहिए ना गाइस इसमें थोड़ा बहुत, क्यों मिलना चाहिए गाइस इसमें। ये सीधा 40 कमाते हैं, अरे यार इसमें तो कुछ मिलता ही नहीं है गाइस, इसमें टोकन ही मिलेगा बस हमें। बस सीधा एक 400 का और स्पिन मारते हैं गाइस, शायद इसमें निकलना चाहिए गाइस ये पूरा बंडल या कुछ तो निकलना चाहिए ना गाइस। तो गाइस सीधा 400 का एक और स्पिन, गाइस क्या इसमें मिल पाएगा? और ये गाइस नहीं मिला यार में भी हमें कुछ अच्छा आइटम, जहाँ तक मेरे को लगता है नहीं मिलता है। और ये गाइस हमें बैकपैक दे रहे हैं, लूट बॉक्स दे रहे हैं बस, लूट बॉक्स तो दिया नहीं है गाइस। वैसे एक सीधा और 400 का, और ये गाइस अब मिलना चाहिए गाइस शायद। और ये गाइस बैकपैक दिया यानी कि फिर से गाइस ग्रेना वाले वो तो लूट रहे हैं गाइस हमें, मतलब कि फिर से गाइस कोई पुराना इनका। तो गाइस अभी एक स्पिन और मारते हैं गाइस 400 का, क्या पता गाइस इसमें तो निकलना ही चाहिए ना। तो गाइस एक और स्पिन मार दिया हमने 400 का, और गाइस इसमें तो क्या हमें अच्छा आइटम मिल पाएगा? और ये क्या गाइस, मतलब कि वही लूट बॉक्स दे दिया सीजन 1 का, और ये अवतार दे दिया गाइस, ये अवतार तो अच्छा है। और गाइस गाइस एक और स्पिन मारते सीधा 400 का, इसमें तो कैसे निकलना चाहिए कोई ना कोई बंडल। ये क्या भाई, ये इसमें तो गाइस पक्का कोई ना कोई बंडल निकलना चाहिए। ये क्या भाई, मतलब कि ग्रेना वालों तुम
दोगे नहीं, इसका मतलब है मैं ना। वैसे सबसे पहले करेक्टर चेंज करके आते हैं, हयाटो लेके आते हैं गाइस। हयाटो से मेरा लक अच्छा चलता है गाइस। हम हयाटो ले चुके हैं और गाइस चलते हैं फिर से सेक्शन में। पहले गोल्ड रॉयल में स्पिन करने का सोच रहा हूँ मैं, तो गाइस देखते हैं गोल्ड रॉयल में स्पिन करके। पहले गोल्ड रॉयल में चलते हैं गाइस। गाइस आ चुके हैं हम गोल्ड रॉयल में, फिर से एक स्पिन करते हैं 10 का और नहीं मिला गाइस। और चलते हैं वहीं पे इलेट पास सेक्शन में और गाइस आ चुके हैं हम, और सीधा 400 का स्पिन मारते हैं। तो गाइस ये शायद हमें मिल सकता है, नहीं गाइस ये टोकन और बैकपैक ही देंगे हमें। ये देखो गाइस वही मिला ना जो मैंने बोला था। और ये गाइस मतलब कुछ भी गिरे ना मान लो, कुछ भी दे दोगे तुम, है ना। तो गाइस 180 टोकन हो चुके हैं मेरे पास और गाइस मेरे को अभी मास्क भी लेना है। तो गाइस थोड़ा स्पिन और मारते हैं इस पर, गाइस और मारते हैं स्पिन। और गाइस अभी फिर एक 400 डायमंड का स्पिन मारेंगे हम। इसमें पक्का कुछ ना कुछ आइटम मिलना चाहिए रियर। और गाइस ये सब तो मेरे पास पहले वाले उसमें निकल चुका था गाइस, इसमें तो कुछ अच्छा नहीं निकला हमें। निकल जाना पूरा बंडल, कितना टाइम लेगा यार। सबकी गाइस मारते रहो स्पिन इस पे, है ना। ग्रेना वाले चाह रहे हैं कि भाई स्पिन मारो, ऐसे लूटो। नंगा कर दिया गाइस खड़े खड़े बंदे को यहाँ पे इन्होंने। और ये क्या गाइस, मतलब कि एक और स्पिन 400 का और इसमें भी नहीं निकलेगा। अरे यार ग्रेना वालों क्या बंदे हो तुम यार। तो गाइस देख सकते हैं मेरे पास 227 टोकन हो चुका है और गाइस एक स्पिन और 400 का। और ये गाइस इसमें वाह वाह, मतलब ये गाइस ये टट्टी आइटम ही देगा, ये टट्टी आइटम देंगे ये गाइस। मतलब कि यार कुछ भी करे ना कुछ भी। और वाह गाइस गाइस ये देख सकते हैं, मतलब कि भाई गधे पे बैठा के भेज दिया इनको। तो गाइस ये वाला बंडल लेते हैं हिप हॉप वाला अपना पहले वाला। गाइस चलते हैं एक्सचेंज करने स्टोर सेक्शन में। गाइस हम स्टोर सेक्शन में आ चुके हैं और यहाँ से हम एक्सचेंज करेंगे बंडल को। ये रहा गाइस, और ये रहा गाइस पूरा। अब हम इसे सीधा करेंगे रिडीम। तो गाइस एक्सचेंज करते हैं पहले से, फिर गाइस इसके बाद मैं एशियन स्कार्फ को यानी कि करूँगा। तो गाइस वाओ, मतलब कि गाइस गुड फीलिंग आता है ना जब हम कोई रियर आइटम निकालते हैं। ये देख सकते हैं हम निकाल चुके हैं, स्क्रीन शॉट भी बनता है गाइस एक आधा। स्क्रीन शॉट ले लिया हमने और गाइस अब हम लेंगे एशियन स्कार्फ। तो गाइस पहले इसको कर लेते हैं, अब लेंगे सीधा एशियन स्कार्फ। तो गाइस आ चुके हैं हम, गाइस इसको निकाल लेते हैं ना। तो गाइस ये ले लिया हमने एशियन स्कार्फ को। और वाह नाइस। तो गाइस अब हम थोड़ा बहुत क्या करेंगे कि थोड़ा अवतार और बैनर भी लेंगे अभी। तो गाइस बंदे इतना इनवाइट करते हैं ना पूछो बात, बहुत चाहते हैं। ये वाला नहीं लेगा गाइस, ये वाला ऐसे गाइस इनका लेने का कोई फ़ायदा तो है ना, क्योंकि ये बेस्ट हाइड तो करते नहीं है। गाइस बैकपैक इतना मस्त नहीं गाइस, बैकपैक में पे पड़ा हुआ है बहुत सारा अच्छे से अच्छा बैकपैक। वैसे क्या लेना चाहिए अभी हमें, तो वैसे नीचे चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ गाइस अवतार बैनर ले लूँ, है ना, क्योंकि ये गाइस मेरे को ये वाला अवतार और ये वाला बैनर बहुत अच्छा लगता है। इसका जो ये वाला बैनर है अवतार वाला, तो वैसे मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या निकालूँ इसमें से गाइस, क्या निकालूँ है ना। तो वैसे मैं सोच रहा हूँ अवतार बैनर ले लेते हैं। चलते हैं सीधा अवतार बैनर ले लेते हैं ये वाला, तो पहले ये वाला लेंगे ठीक है। चलो वैसे ले लेते हैं इसको, ये ले लिया गाइस हमने। तो गाइस ये वाला भी ले लेंगे और ये गाइस ले लिया हमने। तो गाइस दो तीन अवतार बैनर और लेते हैं। तो गाइस अवतार बैनर तो मैंने ले लिया और अब चलते हैं गाइस सीधा वॉलेट में और गाइस इसको अच्छे से कपड़े बनाते हैं पहले। तो गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये बंडल अभी हमें।
पहले सबसे पहले सीजन 1-2 का टोपी लगाएंगे हम इसके ऊपर। तो गाइस चलते हैं गाइस नीचे, ये गाइस सीजन 2 का टोपी, और गाइस इसको हम पहनाएंगे सीधा ठग लाइफ वाला पैंट को। गाइस किधर आ वो नीचे होगा शायद मेरे ख्याल से, नीचे नीचे नीचे। चलो गाइस कहाँ पे रह गया, अरे दिखाई नहीं दे रहा है गाइस, मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉस्ट्यूम है ना। तो गाइस मेरे को लगता है कि ऊपर चला गया वो, तो गाइस चलते हैं। और गाइस किधर रहा किधर रहा, तो गाइस ये रहा वो, इसको डालते हैं अभी। तो गाइस सबसे पहले जूते डालते हैं गाइस सीजन 2 के, गाइस अब जूते डालते हैं हम इसके ऊपर। और ये किधर रहेगा भाई, जूते सबसे नीचे होंगे शायद। ये रहे जूते गाइस, चलो गाइस जूते डाल दो। ओह माय गॉड गाइस, अब आया ना गाइस अच्छा फीलिंग, देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है यानी कि ये बंडल। तो गाइस मैं इतने दिनों से सोचता था कि ये बंडल पहन के मैं गेम प्ले करूं, गाइस मैं देख सकते हैं अभी इतना टॉप अप करके बंडल निकाला हूं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।